सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये है भाई, अपने वो लकी 12 प्लेयर्स जिनका नाम ऑटो कमेंट पिकर में आया एंड मैंने इन 12 के 12 बंदों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दिया है। अब भाई ये इनके ऊपर इनको एक्सेप्ट करना है कि नहीं। सो हे व्हाट्स हैपनिंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल हाइपर राजा गेमिंग। टुडे वी आर प्लेइंग अगेन मैक अरीना एंड गाइज आज हम लोग वर्सेस करने वाले एरेस एंड रेडॉक्स का। एंड एज यू कैन सी गाइज, मैंने इन दोनों के ऊपर रॉयल गन 16 इक्विप कर रखा है। एंड गाइज ये दोनों ही दोनों ना एक ही रैंक के है। ओके गाइज, जैसे कि देखो अपना जो रेडॉक्स है ना, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल रेडॉक्स का दिखा देता हूँ। अपना रेडॉक्स है भाई 5 स्टार विथ 6 लेवल। ओके एज यू कैन सी गाइज। एंड अब भाई मैं एरेस की बात करूँ तो वो भी भाई 5 स्टार विथ 7 लेवल। ठीक है, मतलब दोनों का लेवल एक ही है तो कोई भी अनफेयर मैच नहीं होने वाला। एनर्जी लिमिट तो इनके ऊपर ही डिपेंड करता है ना गाइज, जैसा मैं के। एंड गाइज वर्सेस स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा एंड वो ये है गाइज, ये वीडियो ओनली फॉर फन है, सो इसको सीरियसली मत लेना। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि विनर कैसे अनाउंस होगा। देखो मैं दोनों मैक्स के साथ एक एक बैटल खेलूंगा एंड जिस मैक्स से मैं ज्यादा किल्स अचीव कर पाऊंगा ना, वो अपना विनर होगा। ओके गाइज, एंड एक और चीज है जिसको आपको सीरियसली लेना है एंड वो ये है, आपको चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर देना है एंड बगल में एक बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर लेना। बाय द वे गाइस, चलो अपना वर्सेस स्टार्ट करते हैं। ओके सो चलो गाइस, यहाँ पे हमारा फर्स्ट बैटल जो है स्टार्ट हो चुका है एंड ये मैप आया भाई मैक अरीना मैप एंड पहला चांस है भाई अपने रेडॉक्स का। ओके सो यहाँ पे एज यू कैन सी गाइस, दोनों के ऊपर मैंने डिफॉल्ट स्किन ही इक्विप कर रखा है रेडॉक्स पे एंड एरेस में। तो अभी भाई हम ट्राई करेंगे रेडॉक्स से ज़्यादा किल अचीव करने का। एंड अपना कॉम्बो तो यही है भाई, रॉयल गन प्लस मिसाइल रैकेट। एंड लेट्स सी गाइस कितने किल्स इस बैटल में निकलते हैं। एंड मेरे सामने भाई बहुत सारे मैक्स है, इसी एमडी को मारता हूँ, 26K का डैमेज एंड ये लो गाइस फर्स्ट ब्लड हमारा अचीव हो गया बड़े ही स्मूथली। एंड यहाँ पे एक और मैक है, ये लो गाइस 2 किल्स कंप्लीट हो चुके हैं भाई बहुत ही ईजी से। एंड अभी ना भाई बैटल एकदम मस्त चल रहा है, अभी देखते हैं और कितने किल्स निकलते हैं। इधर नीचे मैं क्या है, रुको भाई ये किल मेरे को चाहिए, किल शॉट भाई साइड हट जाए। एंड ये किल हमको मिल चुका है गाइज। ओके किलिंग स्प्री हो चुका है, इधर एक एरेस है बट वेट करते हैं थोड़ा बहुत गाइज, इसको 30 के अपने रेंज में आने देते हैं। एंड ये लो भाई अभी इसका काम तमाम करते हैं। ओके तो गाइज एक हिट मारा, पता नहीं इसको क्यों नहीं लगा बट गाइज हमने इसको भी यहाँ पे मार दिया है। एंड अभी शायद से मेरे 4 किल्स निकल चुके हैं रेडॉक्स से। एंड इधर एक और शायद से एरेस या जगरनट, दोनों में से आई थिंक ये जगरनट ही है। हाँ भाई ये जगरनट है, वेट इसको डैमेज देते हैं। एंड गाइज एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की कि अपने जो गन्स के एनिमेशन होते हैं ना, देखो गाइज मिसाइल रैक एंड रॉयल गन के ऊपर ध्यान दो जब मैं फायर कर रहा हूँ, उनका एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर दिया गया है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बाय द वे यहाँ पे सामने एक लैंसर है, आई होप ये मर जाए। शिट गाइज मेरा जो एम है वो मिस हो गया बट कोई नहीं यार, एक ही बार अपना बुलेट मिस हुआ है। अभी गाइज इस साइड चलते हैं एंड इधर से एक मैक आ रहा है जो कि एक जैफर। ओके तो मैं अगर इसकी 30 के रेंज में जाऊँगा ना तो अपना स्किल तो यूज़ कर ही पाऊँगा बट ये भी मेरे को ईएमपी कर देगा ना, मतलब फ्रीज कर देगा, तो दूर से मारने का ट्राई करते हैं। वेट अ सेकंड गाइज, देखते हैं मारने के। एंड ये लो गाइज इसका भी काम यहाँ पे तमाम हो चुका है। एंड इधर नीचे गाइज एक मैक है, शैडो है ये एक, यार मिस हो गया बुलेट, कोई ना वेट इसको मारने का ट्राई करते हैं। एंड गाइज यहाँ पे असिस्ट मिल गया, यार मेरे को किल मिलना चाहिए था बट असिस्ट मिल गया, कोई नहीं। चलो गाइज इधर नीचे एक लैंसर था उसको मैंने मार दिया है। एंड गाइज इधर एक और कम एचपी वाला मैक है बट वो बाहर नहीं निकल रहा है, तो एक काम करते हैं इस जगरनट को ही मारते हैं भाई, बड़ा प्रो प्लेयर बन रहा है सेंटर पे कैप्चर करके। यहाँ से एक मैक आ रहा है, लेट्स सी गाइज ये कौन सा मैक है। एंड ये तो एक किल शॉट है, वेट अ सेकंड इसको भी मारते हैं। 17K का डैमेज, थोड़ा सा एचपी बच गया है, रुक जा भाई कितना डैमेज देगा। ओके सो गाइज यहाँ पे हमारा रैंपेज कंप्लीट हो चुका है एंड इस किल शॉट ने यार बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया। वेट इधर नीचे एक और मैक है एंड ये किल भी, गाइस फाइनली वी अचीव्ड गॉड लाइक 10 किल्स इन अ रो विथ रेडॉक्स। एंड नीचे अभी भी बहुत सारे मैक्स बचे हैं, मतलब गाइस समझ रहे हो हमारे अभी भी बहुत सारे किल्स निकलने वाले हैं। तो यहाँ पे सामने एक मैक था, वेट ये किल नहीं मिला भाई, गाइस इसी को मारते हैं पहले। ओके फर्स्ट हिट, सेकेंड हिट में मर जाना चाहिए। एंड ये लो भाई इसका काम तमाम यहाँ पे, इधर से एक मैक आ रहा है, वेट अ सेकेंड भाई लैंसर क्या हाल है इसको तो मैं, अरे नहीं नहीं यार इसने बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया लिटरली गाइज, मेरी एचपी बहुत ही ज़्यादा कम बची हुई है अभी तो। वेट इसको मारते हैं, एंड गाइज नेमेसिस कंप्लीट हो गया। ओ शिट यार गाइज इसने मार दिया पीछे से एंड एचपी बहुत ज़्यादा कम थी ना इसीलिए मैं मारा गया, अदरवाइज नहीं मरता, और किल्स निकल सकते थे हमारे इस बैटल से बट कोई नहीं गाइज अभी फटाफट से इस बैटल को फिनिश करते हैं। सो मैंने यहाँ पे किल शॉट लिया है एंड मैंने अपना रिवेंज भी अचीव कर लिया। सो अभी ये देखो हमने 14 किल्स अपने हुए, तो अभी किल शॉट से किल मतलब 13 किल्स हमने किए शायद रेडॉक्स से। अभी चलते हैं गाइज फटाफट से, यहाँ पे एक ब्रिक हाउस है,
जो भी हो भाई मार के इस बैटल को फिनिश करना है। एंड भाई इस चीता ने तो अकेले दोनों को मार दिया भाई, क्या ही प्रो प्लेयर है। ओके गाइज अभी कैप्चर करते हैं, एंड यहाँ पे एक मैक है, मैं जाऊँ क्या उसको मारने के लिए? चलते हैं गाइज, लेट्स सी हमसे मरेगा कि नहीं वो। यार इस जगन्नाथ ने मेरे से पहले उसके ऊपर अटैक कर दिया एंड ये किल मेरे को नहीं मिला, कोई नहीं गाइज। सो गाइज हम लोग ये मैच हो चुका है विक्ट्री, एंड अपना रेडॉक्स हो चुका है MVP विथ ओवर 13 किल्स प्लस गॉड लाइक एंड नेमेसिस। एंड गाइज अब बारी अपने एरेस की, सो बढ़ते हैं भाई अपने सेकंड बैटल की ओर। ओके सो चलो गाइज हमारा यहाँ पे सेकंड बैटल भी जो है स्टार्ट हो चुका है, एंड ये रहा गाइज अपना एरेस, एंड इसके ऊपर भी मैंने ना डिफॉल्ट स्किन ही इक्विप करा है, एंड अजीब सा दिख रहा है यार। गाइज एरेस को एक बड़ा डिसएडवांटेज भी है, एंड वो ये है इसकी जो एनर्जी लिमिट है ना वो कम है एज़ कम्पेयर टू रेडॉक्स। तो हमको भाई एक सिंगल रेल गन के दम पे किसी भी तरह 13 किल से ज़्यादा अचीव करने होंगे अगर मुझे रेडॉक्स को हराना है। ओके एंड गाइज जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, नहीं पता है तो बता देता हूँ, जो अपना रायलगन टिप्स एंड ट्रिक वाला वीडियो था ना गाइज उसने फाइनली टच कर लिया 100K व्यूज़। तो यार थैंक यू सो मच आप सभी को। एंड गाइज मेरा मानना ये है कि अगर मेरा कोई वीडियो 100K व्यूज़ टच कर सकता है तो भाई हमारा चैनल भी तो उतने सब्सक्राइबर्स टच कर सकता है ना। तो इसीलिए यार मैं मेहनत करते रहूँगा, एंड आई होप भाई आप लोग भी सपोर्ट करते रहोगे। बाय द वे गाइस यहाँ पे यार मेरा एक भी किल निकल नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाई, मैं बताने में व्यस्त हूँ, गेम में फोकस कर ही नहीं रहा हूँ, बट अभी भाई थोड़ा ध्यान देते हैं। सो गाइस अब तक मेरे 0 किल्स है, एंड यार रेडॉक्स के वाले बैटल में तो अब तक मेरे बहुत सारे किल्स निकल गए थे, बट रुक जाओ मेरे को थोड़ा बहुत मतलब बन नहीं रहा है ना मारने को। मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ एरेस के ऊपर रायलगन 16, जैसा कि नहीं पहली बार तो नहीं है, बहुत टाइम बाद यूज़ कर रहा हूँ। तो इधर एक जैफर, इसको तो मैं किसी भी तरह मार के रहूँगा गाइज। तो पहला हिट मैंने दिया इसको, एंड इसको तो मार के रह गए अपने। एंड ये लो गाइज हमारा फर्स्ट किल अभी जाके निकल रहा है गाइज, बैटल स्टार्ट हुए 1 मिनट से ज़्यादा हो गया, एंड अब जाके मेरा पहला किल हुआ है। तो अभी इसको कैप्चर करते हैं, एंड भाई पता नहीं गाइज अब तक हमारा सिर्फ एक ही किल निकला है, तो आई डोंट थिंक कि मैं 13 किल्स कर पाऊँगा बैटल फिनिश होने तक। बट गाइज हम गिव अप नहीं करेंगे, हम जितना हो सके उतना किल्स करते रहेंगे। तो मेरे नीचे भाई एक जगन्नाथ है, इस जगन्नाथ को मारना है किसी भी हाल में, एंड ये लो भाई इसका काम तमाम हो गया। ओके गाइज यहाँ पे देखो इधर सामने 2 मैक्स है, एंड यार मेरे को एक चीज़ अजीब सी लग रही है यार, जगन्नाथ आसानी से मर जा रहा है एज़ कम्पेयर टू एरेस, जो बॉट के एरेस होते हैं ना वो ज़्यादा दिक्कत करते हैं, जल्दी मरते ही नहीं है। बाय द वे गाइस यहाँ पे नीचे एक मैक है जो कि शायद से जैफर है, हाँ जैफर ही है ना भाई। सो चलो गाइस यहाँ पे अपना किलिंग स्प्री कंप्लीट हो गया, इधर एक और मैक है, वेट अ सेकेंड भाई थोड़ा मुड़ जा। एंड ये लो गाइस मैं वेट कर रहा था कि कब वो पीछे मुड़े ताकि मुझे बैक से उसको डैमेज देने को मिल जाए। एंड गाइस यहाँ पे एक और किल, एंड इधर मेरा डोमिनेटिंग बहुत ही इजीली कंप्लीट हो चुका है, पता नहीं भाई कब डोमिनेटिंग कंप्लीट हो गया। इधर से एक मैक है, वेट यार ये जगन्नाथ बीच में आ गया, वरना ये किल भी मुझे मिल ही जाता भाई, किल चो जगन्नाथ है ये और कुछ नहीं। ओके यहाँ पे गाइज इधर से एक मैक आ रहा है, वेट इसको देखने दो मेरे को कौन सा मैक है, हाँ MD है ये, तो उस साइड चला गया भाई, थोड़ा और इधर आए ना तब मैं उसको डैमेज दे पाऊँ ना। गाइज इधर से एक जैफर, ये लो भाई पहला बुलेट, ज़्यादा कुछ खास इसको डैमेज नहीं पड़ा, थोड़ा बहुत इसको ओवर हीट करते ताकि हम इसको ज़्यादा डैमेज दे सके। एंड गाइज यहाँ पे हमारा स्मैक डाउन कम्प्लीट हो चुका है, वेट अ सेकेंड इधर 2-3 शैडो है भाई। ओके कोई नहीं मारेंगे, रुको एक रायलगन के हिट से तो शैडो नहीं मरने वाला है। एंड यहाँ से भाई एक एरेस आ चुका है, वेट भाई तू मेरे को इतने आसानी से नहीं मार सकता, रुक जाओ गाइज ये वेट गाइज इसको थोड़ा बहुत ना ओवर हिट करते तब मारेंगे। एंड ये लो भाई, एंड अब मारा जाए गाइज, वेट ये कुछ ज़्यादा ही रश कर रहा है। एंड ये लो गाइज हमारा गाइज यहाँ पे अनस्टॉपेबल कंप्लीट हो चुका है। एंड भाई ये बॉट्स यही गलती करते कि ये अपना बैक दिखा देते, तो जिससे भाई हमको ज़्यादा डैमेज देने का मौका मिल जाता है। एंड इधर से एक जगन्नाथ आ चुका है भाई, वेट यार ये कहाँ से आ गया, रुक जाओ थोड़ा बहुत कवर पे जाने दो, मेरा शील्ड भी भाई ऑलमोस्ट टूटने ही वाला है। तो इस जगन्नाथ का भाई जगन्नाथ में ना गाइज मैं बता रहा हूँ अब वेट क्या करूँ जब तक उसका शील्ड मतलब ख़त्म नहीं हो जाता, जो टाइम लिमिट होता है उसके शील्ड का, ऐसे अगर आप उसको मारने जाओगे ना आपके बुलेट उसके शील्ड को तोड़ने में ही ख़त्म हो जाएंगे। भाई यहाँ से एक गार्डियन आ गया, वेट यार रुको मेरे को थोड़ा पीछे हटना दो, अरे भाई नीचे 2 मैक से यार आगे कुआ पीछे काई, ये तो कुछ ऐसा हो गया, तो रुक जाओ मेरे को इसी गार्डियन को मारना पड़ेगा। बट यार ओके सो गाइस हमारे टीममेट के टीम के गार्डियन ने भी मेरी मदद कर दी इसको रीलोड पे डाल के, अब कहाँ जाएगा भाई तू बता यार कहाँ जाएगा। सो गाइस यहाँ पे हमारा रैंपेज कंप्लीट हो गया, एंड इधर देखो इधर 2-2 मैक है, इन दोनों की HP कम है तो हम इन दोनों को मार के अच्छा खासा किल निकाल सकते हैं। वेट ये तो यहाँ से भाग गया कहीं पे, तो इसी गार्डियन को मारते हैं। एंड ये लो गाइस फाइनली वी अचीव्ड गॉड लाइक 10 किल्स इन अ रो विथ
रेडॉक्स, नहीं नहीं भाई आरएस क्या बोल रहा हूँ, बट गाइस यहाँ पे देखा हमारा नेमेसिस भी अचीव हो गया, मतलब भाई 10 किल के साथ साथ नेमेसिस भी कंप्लीट, एंड अभी भी भाई 30 सेकंड्स बचे हुए हैं, एंड मुझे किसी भी तरह 30 सेकंड में ना गाइस और किल्स निकालने पड़ेंगे। ओके पहला किल निकला, मुझे किसी भी तरह गाइस और दो किल निकालने हैं। ओके मेरे 11 किल ही हुए गाइस, 20 सेकंड में क्या मैं दो किल निकाल पाऊंगा। ये गाइस मेरा दूसरा किल, एक और किल भाई किसी भी तरह, भाई कोई एक मैक मिल जाओ यार, मेरे को बस एक और किल चाहिए वरना यार अपना एरिस हार जाएगा अपने रेडॉक्स से। सो गाइस ये देखो ओवरऑल आंसर गाइस 8 सेकंड में, 7 5, भाई क्या 5 सेकंड में मैं इसको मार पाऊंगा, एंड यस गाइस मैंने इसको मार दिया, एंड एट द एंड मैंने एक और नेमेसिस अचीव कर लिया। सो गाइस हम लोग ये मैच हो चुके विक्ट्री, एंड एरिस हो चुका एमवीपी विद ओवर 13 किल्स प्लस गॉड लाइक एंड डबल नेमेसिस। एंड गाइस अभी हम विनर की बात करते हैं, तो ये मैच जो अपना ये वर्सेस है ये पूरी तरह से ड्रॉ हो चुका है, क्योंकि मैंने रेडॉक्स से भी 13 किल किए एंड एरिस से भी 13 किल्स किए। बट गाइस मेरे को लग रहा है भाई एरिस को विनर होना चाहिए, क्योंकि इसने डबल नेमेसिस किए मतलब अचीव किया, एंड साथ ही साथ गाइस मेरे को ना ये वाला बैटल ज़्यादा तगड़ा लगा। आप लोग गाइस कमेंट में बताना भाई आपको ये एरिस एंड रेडॉक्स इन दोनों में से किसके बैटल में ज़्यादा मज़ा आया, एंड गाइस अपने फ्रेंड्स को भी ये इंटरेस्टिंग वीडियो ज़रूर से शेयर कर देना, एंड अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दो यार, क्या कर रहे हो, लाइक है मैं ओनली 800 लाइक्स, आई होप आप लाइक करके एम कंप्लीट करा दोगे। एंड अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर लेना, बिकॉज हमारे चैनल पे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वर्सेस वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। एंड अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो मुझे वहाँ पे जरूर से फॉलो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। साथ ही साथ आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, हैव अ ग्रेट डे।